हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पावर विंग्स विद समृद्धि। और जैसा कि हमने आपको प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था कि हम अपने जो बजीज हैं इनके लिए बर्ड केज और ये ब्रीडिंग बॉक्स लेकर आए हैं, तो आज हम ब्रीडिंग बॉक्स को केज में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये पिम बैठी हुई हैं साथ में इंस्टॉल करने के लिए, और ये देख सकते हैं आप, ये ब्रीडिंग बॉक्स है। तो इसके अंदर हमने नेस्टिंग मटीरियल भी डाल दिया है ये इस तरीके से, और अब हम जा रहे हैं इसे इंस्टॉल करने के लिए केज में। तो ये है केज, ये चिंकी मिंकी बैठे हुए हैं हमारे बजीज, और यहाँ पर हमने एक जो ये रॉड है इसको ब्लेड के थ्रू कट कर दिया है। ये देखिए, ये इस तरीके से कट हो चुकी है। अब हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर दो तीन रॉड्स और काटेंगे, तो जिससे कि ये जो आपका ये ब्रीडिंग बॉक्स का होल है इससे इनको अंदर बाहर निकलने की जगह मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कट करके ये ब्रीडिंग बॉक्स इसमें अरेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये कटर है, इसी के थ्रू हम इसे कट कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत लग रही है बट काटना तो है ही। सेकेंड लेयर भी कट हो चुकी है और अब एक और कट होना बाकी है। दिखने में ये केज थोड़ा कमजोर और डेलिकेट सा लग रहा है, लेकिन ये तार कट करने में काफी मेहनत लगी है। हमें स्पेस नहीं है ब्लेड को एडजस्ट होने के लिए, इसलिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बॉक्स लगाना है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चिंकी मिंकी को देखिए बैठे हुए, वहां पर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे घर में। तो फ्रेंड्स, अब ये जो लास्ट लेयर है उसे कट कर रहे हैं। इसके कट होने के बाद इतना स्पेस हो जाएगा कि बॉक्स इसमें फिट हो जाए। फाइनली फ्रेंड्स, ये चारों लेयर्स जो हैं ये कट होके अलग हो गई हैं। अब हम इन्हें फोल्ड कर देंगे और फिर दिखाएंगे आपको कि हमने ब्रीडिंग बॉक्स को इस केज में कैसे अरेंज किया। फ्रेंड्स, ये देखिए, वो चारों रॉड्स कट होने के बाद अब हमारा ब्रीडिंग बॉक्स ऐसे अरेंज हो गया है। हमने एक बोर्ड जो है वो इसमें ब्रीडिंग बॉक्स अरेंज करके उसको टाइट कर दिया है ताकि ये गिरे नहीं, और मैं दिखा देती हूँ आपको भी अंदर से कैसे अरेंज हुआ है। सो ये देखिए, एक जो है हमने ये इस तरीके से नट को टाइट कर दिया है, और दूसरा ये वाला अभी जो है ये बाकी है, तो इसे हम अभी टाइट करके इसको फिट करके फिर आपको दिखाएंगे। तो फाइनली हमारा ब्रीडिंग बॉक्स सेट हो चुका है केज में, तो चलिए आपको दिखाते हैं। टाटा, ये देखिए। अब ये जो रॉड है इसके साथ एक स्टिक मिली थी बट वो हमने हटा दी है, और हमने ये रॉड ही लगा दी है ताकि बहुत ज्यादा स्टिक्स ना हो जाए केज के अंदर, और इसमें से ये लोग अंदर आसानी से मूव करके जा सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से सेट हो गया है, दो बोल्ट पेच, और आपको अंदर से भी दिखाते हैं एकदम आराम से इसके अंदर ये लोग जा आ सकते हैं। और ये बैठे हैं चिंकी मिंकी, ये रही चिंकी, ये रही मिंकी। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने कंफर्टेबल हो गए हमारे साथ पेच के पास हमने बैठकर, अगर भाग भी नहीं रहे हैं और फोन अंदर करने के बाद भी इन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, एकदम नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो और ब्रीडिंग बॉक्स का सेटअप अच्छा लगेगा, और ये हमारी लाइफ का फर्स्ट ब्रीडिंग सेटअप है जो हमने बनाया है। आई होप आप सबको अच्छा लगे, और परफेक्ट नहीं होगा बट अगर थोड़ी बहुत कोई कमियां हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं इन दोनों चिंकी और मिंकी के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सब अपना, अपने घर वालों का, अपने लव्ड वंस का बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत खुश रहिएगा। मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन अपना अपना ध्यान रखिए।